हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुगू फूसी को ढूंढता हुआ उस फॉरेस्ट में भागा चला जा रहा होता है, और तभी उसे फूसी मार्स के रूप में वहां नीचे गिरा दिखाई देता है। अब वह फूसी के पास जाता है और वह देखता है कि फूसी में से कुछ निकलकर ऊपर जा रहा होता है। अब गुगू ऊपर देखता है तो वह जीव वहां मार्स का रूप ले चुका होता है। तो एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह जीव वह मेमोरी लेने के बाद मार्स में बदल जाता है, और अब वह गुगू पर अटैक करता है। पर तभी फूसी अपने हाथ से भाला निकालकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, और अब फूसी गुगू से वहां से भागने के लिए बोलता है, और अब वह क्रिएचर उन लोगों पर अटैक करता ही चला जा रहा होता है। तभी गुगू को याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि जंगल में हम पे किसी एक अजीब क्रिएचर ने हमला किया था, वह यही होगा। वहीं फूसी बोल रहा होता है, गुगू यहाँ से जल्दी भाग जाओ। गुगू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अब वह क्रिएचर उन दोनों को चारों ओर से घेर कर एक जगह बंद कर देता है, और तभी फूसी उस भालू में बदल कर वहाँ से बाहर निकलता है, और अब वह गुगू को पीछे फेंक देता है और खुद आगे फाइट करने के लिए चला जाता है। और तभी गुगू वहाँ गिरा एक स्पीयर उठाकर उस क्रिएचर पर अटैक करता है, और वह स्पीयर जाकर सही जगह पर लगता है, जो देखकर गुगू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर तभी वह क्रिएचर गुगू को उठाकर दूर फेंक देता है। फूसी गुगू की ओर देख रहा होता है, और तभी वह क्रिएचर फूसी पर अटैक करके उस लड़के की भी मेमोरीज उससे ले लेता है। वहीं गुगू काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, और तभी गुगू के पेट में रखा पूरा अल्कोहल बाहर निकल जाता है। अब गुगू सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और तभी अचानक वहां आग लग जाता है। गुगू डर जाता है और बोलता है, यह कहां से आया। और तभी वह देखता है कि उसके बगल में एक मशाल जल रही थी। गुगू बोलता है, मैं समझ गया, अल्कोहल की वजह से यह आग चारों ओर फैल गया है। और तभी गुगू को एक आइडिया आता है, और अब वह मसाल लेकर आगे की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर फूसी उस भेड़िए में बदलकर उस क्रिएचर से फाइट कर रहा होता है, और तभी गुगू उस क्रिएचर के पास पहुंच जाता है, और वह बोल रहा होता है कि मेरे पेट में अल्कोहल भरा हुआ है, बस मुझे उसे बाहर निकालने की जरूरत है, उसके बाद यह क्रिएचर आग की गर्मी का मजा लेगा। और अब वह अपने मुँह से अल्कोहल फेंकने की कोशिश करता है, पर वह पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है। गुगू बोलता है, यह नहीं हो सकता, मैं पूरा का पूरा खाली हूँ। और तभी फूसी उड़ता हुआ आकर गुगू के ऊपर गिरता है। गुगू को देखकर फूसी बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा। और अब गुगू वहाँ से भागने लगता है, और वह बोलता है कि तुम मुझे बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में मैं वापस आऊँगा। फूसी गुस्सा होते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा। अब गुगू बूजमैन के घर की ओर भाग रहा होता है, और वह सोच रहा होता है कि बूजमैन के घर पहुँचकर मैं अपने पेट को अल्कोहल से फुल कर लूँगा, बस मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो फूसी। और तभी गुगू का चक्कर आने लगता है, और वह नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, और अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल हो जाती है। अब गुगू उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह नहीं उठ पा रहा होता, और अब वह सोचता है कि हाँ, मैं समझ गया, यह अल्कोहल का असर है, पर मुझे उठना होगा, मुझे फूसी के लिए उठना होगा, अभी मैं ही हूँ जो फूसी को इस खतरे से बचा सकता है। और अब गुगू उठता है, और वह बूजूमैन के घर की ओर भागने लगता है, और अब वह वहाँ पहुँचता है, और वहाँ का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है। तभी वह देखता है कि वहाँ रिन के पेरेंट्स उसे वापस लेने के लिए आए होते हैं। गुगू को देखते ही रिन के फादर के साथ आया हुआ लड़का बोलता है कि यह वही है जो मार्केट में रिन को लेकर भागा था। अब रिन का फादर बोलता है, तुम मेरी डॉटर को लेकर क्यों भागे थे। जिस पर रिन बोलती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं घर से खुद भागी थी, इसमें इन लोगों का कोई दोस्त नहीं। अब रिन गुगू के पास जाती है, और वह बोलती है कि गुगू मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर यहाँ तक आ जाएंगे। गुगू रिन की बात को इग्नोर करता हुआ बूजमैन की ओर आगे बढ़ता है, और अब वह बूजमैन के पास जाकर बोलता है, ओल्ड मैन, जल्द से जल्द मुझे अल्कोहल दो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेरी बैली को अल्कोहल से फुल कर दो। और यह सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, गुगू क्या तुम अल्कोहल मांग रहे हो, पर वह तो पहले से ही तुम्हारे पेट के अंदर है। अब गुगू ओल्ड मैन की दाढ़ी पकड़कर बोलता है, मेरे पेट के अंदर का अल्कोहल सब खत्म हो चुका है, तुम मुझे जल्दी से जल्दी अल्कोहल दो और स्ट्रांग वाली देना। यह सब देखकर रिन के पेरेंट्स बोलते हैं कि यह कैसा लड़का है। तभी रिन पूछती है, गुगू तुम्हें क्या हुआ है और फूसी कहाँ है। और अब गुगू रिन को कुछ बताता है, और बोलता है, मुझे जल्द से जल्द फॉरेस्ट में वापस जाना होगा। यह सुनकर ओल्ड लेडी बोलती है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तुम वह दे दो जो यह मांग रहा है। और अब बूजमैन गुगू को अल्कोहल दे देता है। अब रिन के पेरेंट्स बोलते हैं, रिन हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर रिन बोलती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। रिन के फादर बोलते हैं, तुम यहाँ रहकर यहाँ रहने वाले लोगों को भी परेशान कर रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो। वहीं रिन चिल्ला रही होती है कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, और तभी
गोगो रिन के फादर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम नहीं जा सकते। रिन का फादर बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। गोगो बोलता है, तुम नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। और अब रिन गोगो के पीछे आकर छुप जाती है। रिन का फादर बोलता है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है रिन? क्या हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं करते? हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। रिन बोलती है, हाँ सब कुछ, पर मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, अब मैं एक छोटे बच्चे की तरह नहीं रहना चाहती। और तभी रिन की मॉम बोलती है, तो मैं समझ गई, तुम्हें वह लड़का पसंद नहीं जिसे हमने तुमसे शादी करने के लिए चुना है। रिन बोलती है, नहीं यह बात नहीं है। और यह सुनकर गोगो हंसने लगता है और बोलता है, सच में रिन से शादी करने के लिए अभी ही लड़कों की लाइन लगी हुई है। और अब गोगो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि रिन की शादी किससे होगी, पर रिन से सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, गोगो। और अब वह वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वहीं यह सुनकर रिन शर्मा जाती है। और अब रिन के फादर बोलते हैं, चलो अब हम चल रहे हैं। और रिन भी उनके साथ जाने लगती है, पर तभी वह बूढ़ी औरत उनका रास्ता रोकती है। वहीं गोगो भागता हुआ वापस उस जगह पर आता है और वह फूसी को ढूंढ रहा होता है, पर फूसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और तभी वह देखता है वहाँ पर एक जगह एक बड़ा भालू खड़ा है, जिसे देखकर गोगो बोलता है, तो तुम ठीक हो फूसी? पर तभी वह देखता है वह फूसी नहीं होता। और अब वह फूसी को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर फूसी उसे कहीं नहीं मिलता। और अब गोगो उस क्रिएचर से बोलता है, आखिर तुमने फूसी के साथ क्या किया? और तभी वह क्रिएचर गोगो पर अटैक कर देता है, पर गोगो आग की मदद से उस अटैक से बच जाता है। और अब वह क्रिएचर गुस्से में आकर गोगो पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और अब वह क्रिएचर वापस गोगो पर अटैक करता है, पर तभी गोगो अपने मुंह से अल्कोहल फेंक कर उसमें आग लगा देता है, जिससे उस क्रिएचर के पूरे शरीर में आग लग जाती है। और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी यह आवाज़ बूजमैन के घर पे सभी को सुनाई देती है और वह सभी खिड़की से बाहर देखते हैं। और गोगो उसके ऊपर और अल्कोहल फेंक कर उसे पूरा जला देता है। वहीं सब बूजमैन के घर से खिड़की से जंगल में लगी आग को देख रहे होते हैं। और अब गोगो नीचे बैठ जाता है और वह बोलने लगता है, फूसी तुम मुझे छोड़कर कहाँ गए? तुम तो इमॉर्टल थे ना। और अब गोगो रोने लगता है और वह बोलता है, हम दोनों एक साथ कितने खुश थे, तुम मेरे भाई जैसे थे, यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें टाइम पर नहीं बचा पाया। और तभी उस क्रिएचर की जली हुई बॉडी में से कुछ निकलता है और वह उड़ने लगता है। गोगो उसे देखता है और वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह सभी चीज़ें जाकर एक पत्थर में समा जाती है। और अब गोगो उस पत्थर को उठाता है और देखता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वह बोल रहा होता है कि तुम सच में लकी हो फूसी, जो तुम बच गए, तुम अभी कमज़ोर हो पर तुम ताकतवर बन सकते हो। और अब टाइम रुक जाता है और वह आकर उस पत्थर को टच करता है और उसके टच करते ही फूसी वापस भेड़िए में बदल जाता है। गोगो बोलता है, फूसी तुम ठीक हो? मैंने उस क्रिएचर को हरा दिया। फूसी बोलता है, क्या सच में तुमने उसे हरा दिया? गोगो बोलता है, हाँ। और अब गोगो फूसी की तरफ हाथ आगे करता है और तभी फूसी गोगो के हाथ में बाइट कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से मज़े लेते हैं और उसी गोगो को थैंक्स करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गोगो और फूसी वहाँ से आ रहे होते हैं। वहीं बुजुमैन के घर के बाहर सभी लोग खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। गोगो और फूसी को देखते ही रिन पूछती है, अब तक तुम कहाँ थे, क्या हुआ? गोगो बोलता है, कुछ नहीं। और अब गोगो उन सभी के लिए खाना बनाता है, जो देखकर बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बुजुमैन बोलता है, वापस आने के लिए थैंक्स बुबू। गोगो, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? गोगो बोलता है, नहीं, आज से मैं तुम्हें बुजुमैन नहीं बुलाऊंगा, आज से मैं तुम्हें बुज सिट हेड बुलाऊंगा। यह सुनकर बुजुमैन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर तुमने मेरी लाइफ बचाई है, इसलिए मैं सिट हेड पार्ट हटा देता हूँ और मैं तुम्हें बूजमैन ही बुलाऊंगा। यह सुनकर बूजमैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं रिन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिस पर गोगो उनसे माफ़ी मांगता है। तभी रिन की मदर वह खाना खाती है और बोलती है कि खा के देखो, यह लड़का हमारे कुक से ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। और अब सभी खाना खाते हैं और सभी को वह खाना पसंद आता है। वहीं रिन गोगो से पूछती है कि गोगो फूसी कहाँ है, जिस पर गोगो बोलता है, मैंने उसे पानी लाने के लिए भेजा था, वह आता ही होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी बाहर खड़ा उस आदमी से बात कर रहा होता है और वह आदमी फूसी से बोलता है कि फूसी तुम यह जगह जल्द से जल्द छोड़ दो। फूसी पूछता है, पर क्यों? वह आदमी बोलता है, बस एक यही तरीका है जिससे तुम ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो, तुम्हें अभी और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा। फूसी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अब वह फूसी को बताता है कि जिस क्रिएचर से तुम अभी फाइट कर रहे हो उन्हें नोकर्स बोला जाता है और जल्द ही नोकर्स इस दुनिया को तबाह करने वाले हैं और उन्हें रोकने के लिए तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा। तुम इस फाइट में तो उनसे बच गए, पर नेक्स्ट फाइट में अगर तुम उसे हार गए तो तुम एक पत्थर या एक मोस बन के ही रह जाओगे, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। फूसी बोलता है, पर गोगो ने उसे हरा दिया था, गोगो ताकतवर है, मैं गोगो के साथ रहूँगा, वह मुझे सब कुछ सिखाएगा। वह आदमी बोलता है, हाँ तुम यह भी कर सकते हो। और तभी वहाँ पर गोगो आता है और वह बोलता है कि फूसी तुम अकेले खुद से क्या बात कर रहे हो? फूसी बोलता है, क्या तुम इसे देख नहीं पा रहे? गोगो बोलता है, मैं क्या नहीं देख पा रहा, जल्दी चलो मेरे साथ, सभी लोग खाना खा रहे हैं।
और अब फूसी उसके साथ जाने लगता है और वहीं वह आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रिन गोगू से बोल रही होती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर जा रही हूँ। गोगू बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो, जिस पर रिन बोलती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझ गई कि मेरे पेरेंट्स जो भी कर रहे थे वह मेरे लिए सही था और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब रिन अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त रिन सबको बाय बोलती है और वह गोगू को मिस्टर शॉप बॉय बोलती है, जिस पर गोगू बोलता है मैं मिस्टर शॉप बॉय, जिस पर रिन हंसते हुए बोलती है मैं बस मजाक कर रही थी गोगू। और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। अब गोगू और फूसी भी अपने घर में आते हैं और फूसी गोगू से बोलता है कि गोगू प्लीज़ मुझे खाना बनाना सिखाओ। और अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि 4 साल बीत चुके होते हैं और गोगू अपने शॉप में बैठा अल्कोहल बेच रहा होता है। तभी ओल्ड मैन आता है और गोगू को उसकी मदद करने के लिए बोलता है और अब गोगू ओल्ड मैन की मदद कर रहा होता है। और अब ओल्ड मैन बोलता है अब तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम काफ़ी छोटे और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। गोगू रोज़ एक्सरसाइज करता है और उसने अच्छी खासी मसल्स बना लिए होते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ रिन आती है, जिसे देखकर गोगू बोलता है क्या तुम फिर से आज अपने घर से भाग कर आई हो, जिस पर रिन बोलती है हाँ मैं महीने में 2 बार भाग ही लेती हूँ। अब रिन बोलती है मैंने सुना कि फूसी सिलाई का काम सीख रहा है इसलिए मैं उसके लिए यह सब चीज़ें लाई हूँ। गोगू बोलता है फूसी अभी खाना बना रहा होगा। और अब वह दोनों वहाँ जाते हैं। रिन खाने को देखती है और बोलती है कि क्या बात है फूसी काफ़ी अच्छा खाना बनाना सीख गया है। वहीं ओल्ड लेडी बैठकर टेबल पे खाना खा रही होती है, जिसे देखकर गोगू बोलता है तुम अभी से खाना खाना शुरू मत करो, हम सभी का तो इंतजार करो, जिस पर ओल्ड लेडी बोलती है अगर टेबल पर खाना ऐसे ही रखा रहेगा तो वह ठंडा हो जाएगा इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। और अब दिखाया जाता है कि फूसी अपने आप को पानी में देख रहा होता है। तभी वहाँ गोगू आता है और बोलता है फूसी तुम क्या कर रहे हो, सभी लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोगू बोलता है मैं यह देख रहा था मेरी चिन के ऊपर बाल उग रहे हैं। गोगू बोलता है तुम्हारी दाढ़ी आ रही है इसका मतलब तुम बड़े हो रहे हो। और अब गोगू फूसी को कॉन्ग्रेट्स करता है और अब दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।